मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार की एक फाइल की आवश्यकता होगा। फाइल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस फाइल को ऑफलाइन भरने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना फ़ोटो टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर इसमें लिखना है। उसके बाद आपको जनाधार कार्ड के बॉक्स में अपनी जनाधार कार्ड संख्या लिखनी है। एक नंबर बिंदु में आपको अपना नाम लिखना है। दो नंबर बिंदु में आपको पिता या पति, विवाहित महिला को आप अपना पति का, अविवाहित पुरुष को इसमें अपने पिता का नाम लिखना है। तीन नंबर बिंदु में आपको अपना कंप्लीट एड्रेस इस बॉक्स में लिखना है। चार नंबर बिंदु में भी आपको अपने गांव का नाम लिखना है, या शहरी क्षेत्र से हो तो आप शहरी क्षेत्र के अनुसार इसमें लिख सकते हो। पाँच नंबर बिंदु में आपका व्यवसाय, पिता का या पति का जो आपका व्यवसाय है, जैसे कृषि आप लिख सकते हो, या आपका अन्य व्यवसाय है तो आपको इसमें अन्य व्यवसाय लिखना है। छः नंबर बिंदु में उस व्यवसाय का एड्रेस क्या है वो इस बॉक्स में छः नंबर के में लिखना है। सात नंबर के बॉक्स में आपको अपना, जहाँ आपका जन्म हुआ था उस स्थान को लिखना है। आठ नंबर बिंदु में आपको अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखनी है, 10वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट के अनुसार। नौ नंबर बिंदु में आपको 1 से 9 तक किस विद्यालय में आपने अध्ययन किया है। यदि आपने इससे ज़्यादा क्लास पढ़ी हुई तो आप 10वीं के बॉक्स में 10वीं की विद्यालय का नाम, 12वीं के बॉक्स में 12वीं के विद्यालय का नाम आप इसमें लिखना है। 10 नंबर बिंदु में आपको वापस से अपने गांव का नाम इसमें टाइप करना है, एड्रेस ही इसमें अपना टाइप करना है कंप्लीट। 11 नंबर बिंदु में आपको हाँ के बॉक्स पर निशान इसमें लगा देना है। 12 नंबर बिंदु में आप राजस्थान के जिस भी ज़िले में कितने वर्षों से रह रहे हो उतने वर्ष टाइप करने, यदि आप जन्म से रह रहे हो तो इसमें जन्म से लिखना है। मोबाइल नंबर के बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर लिखना है। उसके नीचे यदि आप विवाहित महिला हैं तो आपको इस बॉक्स को भरना है। यदि मेल का किसी का मूल निवास बनाना है तो इस बॉक्स में कुछ भी आपको नहीं भरना है। महिला के लिए इसमें विवाहित है तो हाँ या ना आप अपनी सुविधा के अनुसार आपको लिखना है। इसके अंदर 2 नंबर बिंदु में आपका विवाह कब और किसके साथ हुआ वो लिखना है। क्या आपके पति ये राजस्थान के मूल निवासी है, हाँ इसमें हाँ का आपको लिखना है। 4 नंबर बिंदु में आप अपने पति के साथ कब से और किस स्थान पर रह रहे हो इस बॉक्स में आपको लिखना है। उसके बाद पहला पेज कंप्लीट भरने के बाद आपको यहाँ अपना एक सिग्नेचर करना है। आपको यहाँ दिनांक लिखनी है। स्थान के बॉक्स में आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो। उसके बाद आपको प्रार्थी के ऑप्शन में आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ आपको अपने पिता का नाम लिखना है। निवासी के स्थान में आपको अपने गांव का या अपने एड्रेस के अनुसार आपको लिखना है। उसके बाद आपको जिला आपको अपनी सुविधा के अनुसार लिखना है। ऊपर के ऑप्शन में जिस गजिस्टर्ड ऑफिसर, लेक्चरर या राजपत्रीय अधिकारी, किसी अन्य डॉक्टर या सरपंच, उसकी कंप्लीट डिटेल आएगी। इसकी अपने को इसमें कुछ नहीं लिखना है। ऊपर के बॉक्स में राजपत्रीय अधिकारी द्वारा भरा जाएगा। आपको सिर्फ इस बॉक्स में अपना नाम, निवास स्थान इतना लिखना है। इसके बाद दूसरा जो बिंदु है इसमें सेम इसी प्रकार आपको अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम या पति का नाम आप अपनी सुविधा के अनुसार, निवासी में आपका गांव का नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपना जिला लिखना है। हस्ताक्षर प्रथम उत्तराधिकारी व्यक्ति और दूसरा, इन दोनों को आपको विद सिग्नेचर प्लस मोहर लगवा के अटेस्टेड करवाना है। 2 नंबर फॉर्म भरने के बाद उसके बाद आपको तीसरे बिंदु पर आना है। इसमें 3 शपथ प्रमाण पत्र दिए हुए हैं, आपको अपनी सुविधा के अनुसार भरना है। पहला शपथ प्रमाण पत्र, यदि आप बालिग हैं और आप
तो आपको इसमें अपना नाम, इसमें अपने फादर का नाम, आपका कौन सा मूल स्थान है वो, उसके बाद आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, और 3 नंबर बॉक्स में आपकी समस्त शिक्षा राजस्थान में हुई है या बाहर हुई है, आप अपनी शिक्षा के हिसाब से इस बॉक्स में लिखना है। हस्ताक्षर शपथ ग्राह्यता पर आपको अपना सिग्नेचर, और इस नीचे वाले इस पर भी आपको अपना सिग्नेचर लिखना है। यदि आप नाबालिग हैं तो ये आपके पिता के नाम से भरा जाएगा, यदि किसी के पिता नहीं है तो उसकी माता के नेम, यदि माता या पिता दोनों नहीं है तो संरक्षक के नाम से ये भरा जाएगा। इस कंप्लीट बॉक्स को भरने के बाद जिसके नाम से ये शपथ प्रमाण पत्र भरा गया है उसको अपने एक सिग्नेचर यहाँ और एक सिग्नेचर यहाँ, दो सिग्नेचर उसको करने हैं। यदि आप विवाहित महिला हैं तो आपको 3रा नंबर का ऑप्शन भरना है, इसमें आपको अपना नाम, अपने पति का नाम और आपको अपना निवास स्थान का इसमें लिखना है। कंप्लीट डिटेल लिखने के बाद आपको अपना सिग्नेचर, हस्ताक्षर, शपथ ग्राह्यता और उसके बाद इस ऑप्शन पर, दोनों के ऊपर अपना कंप्लीट हस्ताक्षर करना है। पूरी फाइल आपको कंप्लीट भरने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, सबसे पहले आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो या जन्म प्रमाण पत्र हो या किसी भी कक्षा की अंक तालिका, आप इसके साथ लगा सकते हैं, आपका आधार कार्ड, पहचान पत्र, आपका स्वयं का या माता या पिता का 10 वर्ष पुराना पहचान पत्र होना आपके पास अति आवश्यक है। यदि आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप 10 साल पुराना बिजली का बिल या कोई भी अन्य प्रूफ जो 10 साल पुराना हो आपके पास। उसके बाद आपको एक राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, इन 5 चीज़ों की लगभग सभी को आवश्यकता होगी। 6 नंबर बिंदु में यदि आप मेल पक्ष हैं तो आपको 6 नंबर बिंदु की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप फीमेल पक्ष हैं और आपकी आयु 18 वर्ष से कम है आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और आप अविवाहित हैं तो आपको अपने सरपंच या से एक लेटर पैड पे आपको अविवाहित का शपथ प्रमाण पत्र लिखवाना होगा। उसके बाद आपको ये सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट किसी भी ई मित्र पर आपको अप्लाई करना है। आपका 2 या 3 दिन में आपका मूल निवास तैयार हो जाएगा। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।